ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान आगे बढ़ा दें। फिर यहाँ से प्राइमरी और मिडिल स्कूल प्रतिभागी सम्मेलित हो, तो मैं आप सभी अतिथि महोदय से आग्रह करता हूँ कि एक एक करके बच्चों से जो भी समझ आता है मिडिल दुकान से कचरा को फेंकना नहीं चाहिए, इसलिए तो डस्टबिन है। इसमें गीला कचरा डालते हैं, इसमें सूखा कचरा डालते हैं। कौन इसकी? अच्छा, जुमरा का प्राइमरी जुमरा का ना। क्या बनाए हो आप लोग? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बता। इसरा जंगली जानवर, ये सब कहाँ रहते हैं? गाँव में। इतने सारे जंगली जानवर हैं, क्या क्या बता दे। ये कौन सा जानवर है? ये अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? उनको अंग्रेजी में जानना है। डियर, डियर एलिफेंट, हाथी। वायु किधर चल रही है उसको बताने के लिए ना। मतलब हवा किस दिशा की ओर बह रही है उसको बताने के लिए ना। वायु सूचक है, वायु सूचक दिशा सूचक, तुम्हारी दिशा सूचक, वायु दिशा सूचक। बहुत अच्छा है, हम लोग जो है इस अक्षर को आसानी से हम लोग समझ सके, पहचान सके, याद कर सके, है ना। कैसे हैं आप लोग? खड़े हो। स्कूल का नाम बताइए। क्या बनाए हो आप लोग? क्या क्या अक्षर मतलब शब्द बनाने हैं? हाँ। ना दो, दो। और ये क्या हुआ, क्या हुआ दोनों को जोड़ के? खम। अच्छा, ऐसी करके हम हो गया नाम। फिर और इसको घुमा दोगे तो हम कम। तो ऐसे करके हम लोग कितनों जो है शब्द हम बना सकते हैं। ये क्या बनाए हैं आप लोग? अंक पहचान के लिए है। 13, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके हम क्या बना सकते हैं ना, कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। ये क्या बनाया है आपने? विलोम शब्द। विलोम मतलब क्या होता है? विलोम हम लोग नहीं समझते हैं ना। विलोम मतलब उल्टा ना, उल्टा। विलोम को हम उल्टा शब्द भी बोलते हैं, विरुद्धार्थी शब्द भी बोलते हैं, कई नाम से जाना जाता है ना। चलो, ये क्या कैसे बनाए होते हैं इसको? कैसे पढ़ेंगे? सरल का कठिन। अच्छा, सब का बेसब, राजा का। उल्टा शब्द बहुत अच्छा है। पर्यायवाची। अच्छा, पर्यायवाची शब्द बताओ। पानी, पानी को क्या क्या बोलते हैं? जल, सलील, सलील, परी, वारी, 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 नीर,
चार का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, चार का पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, ग्यारह चौको चौवालीस है ना, बारह चौको बहुत अच्छा है, दो चौको चलो बहुत अच्छा बात है। क्या नाम है? बारिश में क्या होता है? क्या नाम है? बारिश नहीं होता तो क्या होता है? कोई भी जीवन पुराना नहीं हुआ ना, हवा फुकने से फूलेगा, चलो चलो बहुत अच्छा है, चलो अच्छा बात है। एक ही एक ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाए है ना, तो समझाओ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या उपयोग है हमारे, ये सारे क्या है, सब मिलकर तो सौर मंडल बना है, एक एक तो ये सब को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मंगल, तो मंगल क्या है, आदमी है, आदमी भी मंगल होते हैं, ग्रह भी मंगल होता है, ग्रह है ना, सारे नाम जो लिखा है अरुण वरुण शनि अरुण ये सब ग्रह, ये सब ग्रह, सब ग्रह मिलके क्या बनता है, सौर मंडल बनता है। इसी बताओ समझाओगे तब ना, चलो ठीक है भैया है, ग्रह कौन है, सौर मंडल नाम बताइए आप लोग, हम लोग थोड़ी जान रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं ना, कभी कभी जाते हैं थोड़ी जानेंगे आप लोग, अच्छा नाम क्या है आप लोगों का, ये क्या बनाने वाले हो, हम सीखते एक दूसरे को सिखाएंगे ना, पहली बार आए हो ना, आपके बारे तो क्या कर रहे हैं, बहुत सारा बनाए हैं, एक तो गिनती एक से सौ तक सब गिनती को सबको मालूम है ना, इसलिए बनाए हैं पलंग जैसे क्या है, आयत कौन सी भाषा में, ये आयत है गणित, गणित की भाषा में ना, गणित की भाषा में, हाँ ये क्या है, हाँ त्रिभुज ना, त्रिभुज ये क्या है, ये सब पता है क्या, काउंटिंग कितना हो गया, बहुत अच्छा है, कहाँ है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे पास का ग्रह तो कभी देखा हो जाते, शुक्र को खुला मौसम तो पश्चिम में देखना सबसे पहले दिखाई देगा, वही है ये शुक्र का, मतलब शुक्र चमकीला रात के समय में ना ये चमकता है, चलो बहुत अच्छा है, कौन स्कूल से हुआ, तो प्राथमिक सारा नवी लगता ना, क्या क्या वो हम नहीं जान पा रहे हैं, क्या बनाए गिनती, मतलब
कैसे कैसे जोड़ते हैं इनको दो, हाँ जोड़ और घटाव के बारे में कैसे करके वो जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं उसमें क्या मिलाओगे पाँच को देखा क्या होगा और बताओ साथ फिर करते हैं जोड़ हो है ना फिर घटाओ कर चार घटाओ कैसे बताओ कि समझाओ सात में चार कैसे घटेगा ये सात से इसमें कितना गिन होगा वहाँ ले जाओ कितना सात में चार घटेगा ना काम होगा मतलब सिर्फ इसका उपयोग कर दिया आप ये हमारा उत्तर सही है कि गलत है कैसे जान पाएंगे हम जान पाएंगे कैसे उत्तर सही है कि गलत है कैसे जानेंगे हम आप इसका उत्तर जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसको और इसको जोड़ेंगे ना इतने बराबर आएगा हमारा जोड़ तब सही होगा ना जोड़ के बताओ इसका उत्तर जांच करना है है ना सात में चार घटाए तो तीन बचा ना अभी यहाँ इसको चार यहाँ जोड़े ना कितना हुआ कितना में हम घटाएंगे सात मतलब हमारा उत्तर सही है ये जांच जांच का नियम है ना उत्तर जांच ये पकने के बाद क्यों गिरता है पक जाता है क्यों गिरता है नहीं पका रहता है क्यों गिरता है कच्चा रहता है थोड़ी गिरता है मारने से नहीं गिरता है देखो तो इधर देखो कितना गिरा है उस टोकरी में कितने आम कहाँ से गिरा कहाँ से गिरा पेड़ से इधर से गिरा था ना यहाँ पर चार था तो गिर गया कितना बचा कितना ये कौन सा ये हमारा प्रयोग है घटाओ ना चार आम पका था पेड़ से गिर गया टोकरी में तो एक कम हो गया ना तो कम होना मतलब घटाओ घटना बहुत अच्छा ना अभी कितने आम इधर चार टोकरी में कितने गिरे दो बच्चे कितना अब गिरा हुआ फिर से ट्रेन में चला गया कैसे जाएगा ऊपर गिरा हुआ चला जाता है बोल सकते ऊपर गिर गया फिर ऊपर कैसे जाएगा नहीं जाएगा हां तो इसे बोलो एक बार गिर गया माने कि गिर गया खत्म मतलब खत्म पक गया वो कच्चा थोड़ी होगा नहीं होता है ना अजगर क्या अजगर जाते हैं जी घोड़ा सा घोड़ा सा
तो पहाड़ में है ना, नवीन घर गाँव में टोकरी में चलो बहुत अच्छा है। तो ऐसी जो है ना अक्षर ज्ञान जो है हमको अपने अपने क्लास के हिसाब से अक्षर ज्ञान होना चाहिए है ना, छोटा छोटा सब कल जोड़ के सब जोड़ ध्यान जा रही है ना। अच्छा प्रयास बहुत अच्छा है। चलो बता रहे पहाड़ा है, याद कर लिया मतलब बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है।